वृंदावन में बंदरों के आतंक का मुद्दा अब लोकसभा तक पहुंच चुका है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने विगत दिनों लोकसभा में वृंदावन के बंदरों का मुद्दा उठाया था। वृंदावन के उत्पाती बंदर आए दिन किसी न किसी पर हमला कर उसे घायल कर देते हैं और राह चलते लोगों से सामान झपट्टा मारकर छीन ले जाते हैं। स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो लोगों ने बताया कि बंदरों से निजात अभी तक नहीं मिली है। जो भी नेता या विधायक आता है वह केवल वादे कर चला जाता है। धरातल पर बंदरों की समस्या से निजात अभी तक नहीं मिल पाई है। पत्रिका की टीम ने जब रवि यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि वृंदावन के साथ साथ मथुरा में भी अब बंदरों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री को भी मैंने पत्र लिखा था बंदरों की समस्या को लेकर, लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। बंदरों की एक समस्या है जो कि वृंदावन के साथ साथ मथुरा नगर में भी लगातार बढ़ती जा रही है। संबंध में मेरे द्वारा कई बार मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया, प्रशासनिक अधिकारी लिखा गया, इसके साथ साथ मानवाधिकार आयोग में भी इस संबंध में एक कंप्लेंट दायर हुई थी जो कि उन्होंने मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश के लिए फॉरवर्ड कर दी थी, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। रवि यादव ने यह भी बताया कि किसी न किसी को यह बंदर आए दिन काटते हैं और मैंने RTI के तहत यह जानकारी मांगी थी कि सरकारी अस्पतालों में कितने इंजेक्शन बंदर काटने के प्रतिदिन लगाए जाते हैं। RTI में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। मथुरा के वेटनरी कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन विगत दिनों किया गया था। इस सेमिनार में मंकी सफारी को लेकर बात भी हुई। धरातल पर इस तरह की योजनाएं कई सालों से आती जाती रही हैं। कोई भी काम यहां बंदरों को लेकर नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ समय समय पर नगर निगम को भी अवगत कराया गया, साथ ही साथ इसमें RTI लगा करके ये जानकारी मांगी गई थी कि एक वर्ष में सरकारी जो अस्पताल है उसमें कितने मरीजों को इंजेक्शन लगते हैं रेबीज के जो कि बंदरों से घायल होते हैं। तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य थे। करीब 14 से समथिंग एक ही अस्पताल से ये RTI निकली थी जो कि 100 अस्पताल है वृंदावन का। वहीं इस संबंध में भी कुछ दिनों पहले सांसद हेमवाली ने भी मुद्दा उठाया था और वहीं वेटनरी कॉलेज में भी एक बहुत बड़ी सेमिनार हुई थी जिसमें ये हल निकालने की कोशिश की गई थी कि बंदरों के लिए एक सफारी जैसी बनाई जाएगी जिसमें कि काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी और बंदर वहाँ जाएंगे। लेकिन अभी धरातल पर कह सकते हैं कि ये सारी योजनाएं परियोजनाएं कई बार और कई सालों से लगातार इसी तरह से आती जाती रही हैं। पत्रिका से बात करते हुए रवि यादव ने यह भी कहा कि अगर देखा जाए तो बंदरों के हमले से करीब आधा दर्जन लोगों की वृंदावन में मौत हो चुकी है। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की गई और मानव अधिकार से भी शिकायत की गई, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब मुझे नहीं मिला है। एक शिकायत और है कि इधर उधर बंदरों के खाने के लिए जो लोग सामान फेंक देते हैं उन जगहों को चिन्हित किया जाए और उन पर खाद्य पदार्थ ना डालें, ऐसा एक निर्णय लिया जाए। उचित स्थान पर ही बंदरों के खाने की चीज डाली जाए, ऐसा कुछ किया जाए। हालांकि बीच बीच में कभी 100 बंदर पकड़ ले जाते हैं, कभी 200 पकड़ ले जाते हैं, लेकिन कुछ भी सफलता हासिल अभी विभाग को नहीं हो रही है। इसके साथ साथ घटनाओं की बात करें तो कम से कम अभी वृंदावन की बात की जाए तो आधा दर्जन से अधिक मौतें वृंदावन में बंदरों के हमले से हो चुकी है। एक बार पुनः मेरे द्वारा मुख्यमंत्री स्तर पर शिकायत की गई जिसमें ये कहा गया है, निवेदन किया गया कि जो लोग इधर उधर सामान फेंकते हैं खाने का, कई बार देखा गया वृंदावन पर कमा में लोग फेंक देते हैं, केले देते हैं, अनार देते हैं, सब्जियां फेंक देते हैं, तो ऐसे ही जगह को चिन्हित किया जाए जहां पर से लोग जाते आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पर ये चीज़ें खाद्य पदार्थ ना डाली जाए, कोई अलग स्थान इनके लिए बना दिया जाए जिससे कि बंदरों को भी परेशानी ना हो, उन्हें भोजन मिलता रहे और लोगों को भी परेशानी ना हो। स्थानीय निवासी सुनील गौतम ने पत्रिका को जानकारी देते हुए बताया कि यह मुद्दा बहुत ही पुराना है और इस पर धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। बंदर आते हैं और पलक झपकते ही सामान छीन ले जाते हैं। सामान ले जाने वाले को यह पता नहीं चलता कि उसके हाथ या जेब से क्या गया है। पहले यह बंदर चना और बिस्किट खाते थे, लेकिन आज यह केवल फ्रूटी के सहारे जिंदे हैं। कोई धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है सिवाय अपनी अपनी रोटियां, राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए। वृंदावन की जनता त्राही त्राही कर रही है समस्या से। बंदरों की भयंकर समस्या है वृंदावन के अंदर। कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जगह जगह, जो व्यक्ति जिसके इंसान के ऊपर स्वयं बीतती है वो जानता है। अगर यही समस्या अगर लोकसभा के अंदर होती तब उनको पता चलता कि ये लोकसभा इनको कहाँ स्थापित करनी है दूसरी जगह ले जाके। वृंदावन वाले ही इस समस्या से ग्रसित हैं, वो जानते हैं इस समस्या को कितनी भयंकर समस्या है ये।
इसका कोई निदान करने वाला नहीं है। वृंदावन के ज्यादातर घर एक चार दीवारी बनी हुई है, कह सकते हैं हम कि जो लोहे का मकान जिस तरह से बनता है उस तरह के मकान में रह रहे हैं, जाली लगा कर रह रहे हैं बंदरों की वजह से। तो ये सबसे बड़ी क्या है, हमारे यहाँ जेल जो जेल बनी हुई है वो जेल कैदी तो भी टाइम से बढ़िया सुरक्षित छूट जाते हैं, मगर हमारे बच्चे हमको सुरक्षित करके कैद करके रखने पड़ते हैं इन बंदरों की समस्या की वजह से। बच्चे हमारे बाहर ओपन में खुले में घूम नहीं सकते, खेल नहीं सकते, इतनी बड़ी समस्या से हम पीड़ित हैं सब लोग वृंदावनवासी। सफारी बनाने की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, सिवाय हवा कागजों पर कार्रवाई है, हवा पर हवा मैल हो रही है, सब जितनी भी बातें हैं कोई धरातल पर कुछ नहीं है, सब सुनने कहने को तो सब कार्रवाई होती है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ, करने को कुछ नहीं है सिवाय ये ढपोल संख्या और कुछ नहीं है। बंदरों को सामान के एवज में फ्रूटी देनी पड़ती है, तब ये जाकर बंदर सामान वापस करते हैं। पीने के लिए फ्रूटी इन बंदरों को चाहिए है, क्योंकि फ्रूटी के अलावा यह कोई सामान नहीं लेना पसंद करते, इन्हें फ्रूटी ही अच्छी लगती है। चश्मे और मोबाइल फ्रूटी देने के बाद ही यह वापस करते हैं।